वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। हर साल बड़े जश्न के साथ मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से दस्तक देने को है। भव्य पंडालों और रंग बिरंगी मूर्तियों के साथ इस महोत्सव का वातावरण ही कुछ और होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यहाँ सहज सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गणेश चतुर्थी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका कारण? गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मदिन होता है, लेकिन गणेश जी के जन्म की कहानी भी बड़ी रोचक है। क्या है भगवान गणेश के जन्म की ये कथा, आइए हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गणेश जी के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें से दो कहानियां सबसे अधिक प्रचलित है। सबसे अधिक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि एक बार भगवान शिव कहीं गए हुए थे। देवी पार्वती उस वक्त स्नान करने जा रही थी। उन्होंने स्नान गृह की रक्षा के लिए अपने शरीर पर लगे लेप से एक मूर्ति बनाई, फिर उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को माँ पार्वती ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आने पाए। इसके बाद देवी पार्वती स्नान करने चली गई, लेकिन कुछ देर बाद ही भगवान शिव द्वार पर पधारे। जैसे ही वो अंदर जाने लगे तो दरवाजे पर पहरा दे रहे गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें नहीं जाने दिया, जिसके बाद शिव और गणेश दोनों में संग्राम छिड़ गया। भगवान गणेश खुद भी शक्ति के अंश थे, वो भगवान शंकर के हर प्रहार को विफल कर रहे थे। इसके बाद शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन से उनके धड़ को अलग कर दिया। देवी पार्वती ने जैसे ही गणेश जी को उस अवस्था में देखा, उनका क्रोध भड़क गया। इसके बाद सभी देवता घबरा गए। तब भगवान शिव ने गणेश को फिर से जीवित करने की बात कही। इसके बाद गणपति के मृत धड़ पर हाथी का सर लगाकर उन्हें वापस से जीवित किया गया। इस तरह गजानन का जन्म हुआ। उस दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए इसी दिन गणेश चतुर्थी का पर्व यानी कि गणेश जन्मोत्सव को मनाया जाने लगा। एक दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के अनुरोध करने पर शिव और पार्वती ने गणेश जी को बनाया था। कहा जाता है कि राक्षसों का वध करने के लिए और धरती को पापों से मुक्त कराने के लिए गणेश जी उत्पन्न हुए थे। उनके नाम से ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। शिव पार्वती के बेटे भगवान श्री गणेश को 108 नामों से जाना जाता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है। गणेश जी की स्थापना घर में करने से सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं जनसत्ता विश करता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।